नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल न्यूज। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे न्यूज़ के बारे में बताऊं, या फिर आप रूल कह लीजिए, रूल के बारे में कैसे बताऊंगा कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जरूर होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा आपका TV चैनल बंद हो सकता है, ठीक है दोस्तों। 2019 में जैसा कि सरकार, भारत सरकार ने रूल निकाला है, 2019 में आपका TV चैनल बंद हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके दो फायदे हैं, तो इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक जरूर देखना। और ये वीडियो हो सके आपको पसंद आ जाए, आपके कुछ जानकारी मिल जाए, तो इस वीडियो को जरूर आप शेयर कर देना। लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हर TV चैनल हर घर में एक होता है, TV और एक डिश, या फिर आप केवल कह लीजिए। तो हम महीने का कम से कम 300 या 350 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अब ये ऐसा नहीं होगा 2019 के हिसाब से। 2019 का रूल ये है कि अब आप एक अलग अलग चैनल का अलग अलग पैक ले सकते हैं। जहाँ दोस्तों, एक रुपये में एक चैनल आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से ये फॉलो करने हैं। 2019 में 1 तारीख को आपको नया चैनल स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सोनी TV, मान लीजिए सोनी के कितने चैनल है, सोनी मैक, सोनी थ्री, जितने भी चैनल हैं, उन सारे के 31 रुपीज़ में पूरी मंथली का पैक है। पहले हमें कितना देना, 340 रुपये पर मंथ। लेकिन उसमें हमारा नुकसान ये जाता था दोस्तों, मान लीजिए जब कोई उर्दू चैनल है या फिर कोई और चैनल है, बंगाली चैनल है, वो हम देखते नहीं, हम हिंदी में देखते हैं, तो वो चैनल का भी हमसे पैसे लिया जा रहा था। अगर हम कह भी रहते, फिर भी हमारा पैक उतना का ही होता है। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसा नहीं होगा। इस बार से 2019 में, जैसा कि भारत सरकार ने ये रूल निकाला है, आपका जो चैनल देखने का मन हो, आप पहले उसे सिलेक्ट कर लीजिए। आपका कोई भी डिश हो, आप सिलेक्ट करके आप लिख लीजिए एक पन्ने पे, और अपने केबल ऑपरेटर से फ़ोन कीजिए, और अपना सारा का पैक लिखवा के आप अपना प्राइज मनी और नीचे आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, इससे फ़ायदा ये होगा, मान लीजिए आपके पास अगर मान लीजिए 500 चैनल है, आप भर रहे मंथली का 400 रुपये। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप देखते हैं तो उसमें से 15 से 20 चैनल, जैसा कि मैंने इंपोर्टेड चैनल होगा सीरियल, जो कि हर घर में चलता है, हम नहीं देखते, क्या मेरे घर वाले तो देखते हैं। तो जैसा कि कलर्स TV, ये जितने भी चैनल है, ये सारे आपको देखने हैं, तो इन सारे का आपको बोल देना कि मेरे को ये चैनल चाहिए। रही बात मूवीज़ की, तो आप जितने भी अच्छे अच्छे चैनल, जैसे कि स्टार गोल्ड हो गया, जी सिनेमा, मैक्स, ये सारे जितने भी चैनल, यूट्यूब, एक्शन मूवीज़, MP4, ये सारा कुछ आपको कह देनी है। और नंबर 3 में ये रहेगा कि आपको न्यूज़, आप न्यूज़ भी देखते हैं, तो आपको कह देने कि आपको ये न्यूज़ चाहिए, जैसे कि ABP हो गया, आज तक हो गया, ये सारे न्यूज़ आपको लिख के रख लेनी है पहले ही, और फ़ोन करके कह देनी है। आप मान लीजिए आपका 2 रुपये अगर चैनल भी लिया उसने, अगर मान लीजिए आप 20 चैनल दे, तो 20 × 40 रुपये पर मंथ लगेगा। लेकिन आप पूरा मिला के मान लीजिए कि 100 से 125 रुपये, यानी 125 रुपये के आसपास में आपका पूरा मंथली TV चलेगा। तो दोस्तों, ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ। तो अब हम जो नई चैनल देखते हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है देखने की, और साथ में हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। दोस्तों, मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर एडवांस कह देता हूँ कि हो सकता है अगर मेरी वीडियो ना आए हैप्पी न्यू ईयर के दिन, तो मैं आपको पहले विश कर देता हूँ। लेकिन कोशिश करूँगा कि हैप्पी न्यू ईयर के दिन एक अच्छी सी न्यूज़ लेके आऊँ आपके लिए, एक टेक्नोलॉजी, एक अच्छे फ़ायदे वाली वीडियो लेके आऊँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और बता देना अपने दोस्तों, अपने घर वाले को कि दोस्तों, 2019 में यानी 1 तारीख से आपके TV चैनल बंद हो जाएंगे, और नए फायदे के लिए आप तैयार हो जाइए। आपको फ़ोन करके आपको कह देनी है कि मेरे को ये चैनल चाहिए। अगर आपको जो भी डिश है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, गूगल पे सर्च करना, वहाँ पे आपको लिख देना, मान लीजिए डिश TV है, आपको लिख देना डिश TV कस्टमर केयर नंबर, तो वो अपने आप आपको एच डेट यानी उसके कर्मचारी से आपको बात करवा देगा। टाटा स्काई, तो गूगल पे सर्च करना टाटा स्काई कस्टमर केयर नंबर .com, तो आपको नंबर